आई एम वेरी बैड एट पार्टिंग, मैं तो बहुत जल्दी सो जाता हूँ। एक्चुअली 11 बज गए, अभी तो मेरे नेटफ्लिक्स का टाइम है, एक घंटे में गुड नाइट। बट आई हैव कम स्पेशली आज टिया, जिनके साथ मैंने काम किया था जख्मी में, इट्स अ म्यूजिक लॉन्च, तो आई कुडंट मिस इट। जब किसी फ्रेंड का कोई स्पेशल इवेंट होता है काम से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी अपनी पर्सनल लाइफ में करते हो रिमूव टाइम एंड प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ देयर स्पेशल ओकेजन। तो आई एम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई ऑनेस्टली थिंक टिया इज़ अ वेरी गुड एक्टर। हर सॉन्ग्स वी हैव नॉट बीन दैट एक्सपोज टू, आई हर्ड दिस सॉन्ग बट बिकॉज आई हैव एक्टेड विथ हर, और मुझे लग रहा है कि आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट सिंगर्स और म्यूजिक, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा कह नहीं सकता अबाउट हर सिंगिंग टैलेंट्स, बट एज एन एक्ट्रेस आई रियली लाइक हर। या मतलब इट्स पैक्ड, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग सच अ टर्न आउट, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग सो मेनी पीपल टू बी आउट फ्रंट वेटिंग टू गेट इन साइड, सो आई एम थिंकिंग कि अंदर जाने के बाद इट्स गोना बी समथिंग यूनिक एंड समथिंग वर्थ यू नो विजिटिंग, सो आई एम एक्साइटेड टू गो इन साइड। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अंदर का क्राउड बहुत बहुत अच्छा होगा। हाई, आई एम रुस्तान मुमताज। टू ऑल द व्यूअर्स आई लाइक टू विश अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एंड मैं एक रोमांटिक इंसान हूँ, रोमांटिक एक्टर हूँ, तो मेरे लिए वैलेंटाइंस डे इज़ वेरी वेरी स्पेशल। सो आई होप कि आपके लिए भी स्पेशल है, एंड होपफुली आपके पास कोई है जिसके साथ आप वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो सेलिब्रेट इट विथ योर मदर, विथ योर फादर, विथ समबडी इन योर फैमिली, बिकॉज वैलेंटाइंस डे डजेंट रियली नीड अ लवर और अ पार्टनर, इट कैन बी सेलिब्रेटेड विथ एनी वन, विथ योर पेट, विथ एनी बडी दैट यू ट्रूली लव। सो हैप्पी वैलेंटाइंस। Like to congratulate the owners of Trumpet Style Out, and I'm very happy, you know, that people are putting in money into hotel industry, and you know they are coming up with lots of creative ideas, and I really stay very nearby, so you know it's really nice that something like this has come up, you know, just next door. firstly Santosh is a friend. Amir, jab main Kavyanjali karta tha kuch 10-12 saal pehle, अधिक उनके बड़े भाई हमारे साथ काम करते, तो वो सेट पर आया था और मैंने उससे कुछ धमकी वमकी दी थी कि तू जिंदगी में अगर कुछ करना चाहेगा तो मेहनत करे सर कुछ स्पीशियल रिमेंबर। एंड ही इज़ अ फेरी गुड फ्रेंड, और इधर का यंगर ब्रदर, तो बस उन्हें सपोर्ट करने आए। यार 40 के ऊपर हो गया यार, अब क्या पार्टी कर, जिंदगी निकल गई पार्टी करते करते। नहीं अभी दिल नहीं करता, आई एम मच हैप्पी विद अ वेरी क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एंड आई डोंट ड्रिंक मच and don't do any other things, so what's the point in coming out? Well, everybody knows that I'm a party person completely. I love working hard and party harder, or jab bhi club launch hota especially andheri mein, to I'm the first one to come. Aaj late ho gaya because of a shooting, the entire day meri aankhein dekh sakte ho, so I'm pretty all excited, and tomorrow I'm not working, so I'm going to party really really hard. And jo tier shagar jo work hai, and ye jo music launch hai amazing hai, aur एकदम ये जो म्यूजिक बना है रॉक है, और आई एम श्योर दे आर डूइंग वेरी अमेजिंग गुड वर्क। तन्हा तो था नहीं मैं, और गैर ये है नहीं मेरे, ठीक है। संतोष गुप्ता को ढेर सारी शुभकामनाएं, रियली इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ये इनकी जो एक शिद्दत से जो काम करते हो, जितनी कुब्बत है ना इस बंदे में, हाँ आज जाकर ये सफल हुआ है। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स आई थिंक मैंने आई सीन इट, आई लव्ड इट। इनको जो सेंस है गानों का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आगे जाके ये बुलंदियाँ कायम करे, सीरियसली आई विश यू ऑल द बेस्ट। और हम यहाँ पर सिर्फ गानों के लिए नहीं आए, बिग बॉस के घर में जो तबाही और जो प्यार और जो मोहब्बत पूरे देश की, ये जीते नहीं लेकिन ये दिल जीत के आए। अरे वो तो 125 करोड़ लोगों के दिलों को बांध के आए, एक साथ घर में कैसे रहना है लोगों को सिखा के आए। बिग बॉस जाना जाता है निगेटिविटी के लिए, ये लोगों को पॉजिटिव कैसे रह के फिनाले तक रह सकते हैं वो बता के आए। दैट्स सो स्वीट, एंड दैट्स एक्चुअली मुझे और पार्टियाँ देनी है, ये तो इनकी क्या कहते हैं ना अच्छाई है संतोष गुप्ता की, जो मैं बोल रहा कि मैं पार्टी रख रहा हूँ लेकिन मैं सीधी पार्टी आपके नाम पर कन्वर्ट कर रहा हूँ कि आपके बिग बॉस के आने की सेलिब्रेशन खुशी में। रियली स्वीट ऑफ यू संतोष, रियली अप्रिशिएट। ये मेरा भाई है। आई विश एवरीबडी वहाँ पे जो भी कपल्स है उनको हैप्पी वैलेंटाइंस डे, जो भी सिंगल्स है
उनके लिए भी हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये मत समझना कि आप सिंगल हो तो आपके लिए वैलेंटाइन नहीं है, सिंगल हो तो डबल की खोज रखो, और अगर डबल ना मिले तो सिंगल में ही खुश रहो। मैं सिंगल होता है ना कि यू नो व्हाट, डबल इज़ गुड बट सिंगल इज़ इवन बेटर। यस यस, सो मैं जो है, एज एवरीबडी नोज, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ म्यूजिकल रियलिटी शोज एंड दिस हैज़ बीन अ लॉन्ग अवेटेड ड्रीम के आई शुड कम आउट विद माई सिंगल वेर आई एम नॉट जस्ट एन एक्टर, इट शुड बी माई ओन वॉइस, इवन दो आई हैव संग फॉर फिल्म्स, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज ये गाने को करने में और ये गाने को बहुत वक्त लगा है बनाने में, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कम अप विद समथिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट दैट सूट्स माई वॉइस, दैट सूट्स माई पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक मैं गैर हुई इज़ दैट सॉन्ग एंड आई एम सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी। I think I enjoy both. I don't find anything challenging because I enjoy whatever I do. I think there is nothing else I can do. I was born to be an artist and I am doing that. I'm living the life that I always wanted to. Not much difference, but of course actors have a different way of performing, but at the end of the day both are performing. Hello everyone, this is Tia Bajpayee and wishing you all lovely people a very happy Valentine's Day. It is absolutely a good start. That is because of all of you, जो आप लोगों ने हमें इतना सारा प्यार दिया है. रात में देख कर सोते हैं तो कुछ अलग डिजिट्स होते हैं. In the morning, span of 6-7 hours, we keep checking, so we get to see lot of good numbers increasing. So this is for the first time I have gotten into a digital platform. और टिया ने तो बहुत सारे गाने पहले गाए हैं, बड़े हिट सारे, बहुत हिट सारे हिट सॉन्ग्स गाए. सो या, सो चीयर्स टू द न्यू वन एंड लेट्स मेक इट रियली बिग. इनफैक्ट इट इज़ बिग ऑलरेडी. सी, आई विल टेल यू द यूएसपी ऑफ दिस वीडियो, मी डूइंग दिस वीडियो, टिया सिंगिंग दिस वीडियो, आई मीन द सॉन्ग, इज हर वॉइस, एब्सोल्युटली हर वॉइस. लेट्स बी वेरी जेन्युइन एंड आई गेस इनफैक्ट दैट्स जस्ट वन ऑफ द रीजन, that's the only reason that I said yes for the song, because acha hum log in fact mile bhi nahi the before deciding on the song, that hum log mile bhi nahi the. So yeah, the USP is the we actually voice. Met on set, we had directly on the set. Yeah. Trump, I think this is a new beginning and there've been a lot of other lounges here. I've never been here, this is the first time I'm coming and acha lag raha hai itne sare youngsters ko dekh karke, and I think it should be a very exciting event and a very nice place to hang out with your friends, with your date, and of course with a group of friends. Running project, there is Mahabharat going on Radio Fever, where I'm playing Arjun, you know, and it's on 104 Fever FM, and a lot of other big industry names like Shatru Saab, Shatrughan Sinha Saab is there, and Vijay Raz is there, and Vivek Oberoi is there, and I'm also there, and a lot of other big actors, Shilpa Shetty is there. So it's a big project which I'm working on right now. Many wishes for the upcoming Valentine's days, for all the youngsters and for the young couples and the people who are in love and who are already hooked, and all the best to all of you. Sabse pehle I would like to wish the entire team of Trumpet all the best. Bahut pyari jagah hai, maine ye jagah dekhi hai, bahut acha vibe hai yahan pe, open air ki feel hi alag hoti hai. मेरे दोस्त हैं जिनकी जगह है, जो मैनेज भी कर रहे हैं, वो भी सारे दोस्त हैं. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड वो काफ़ी एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, और खातिरदारी में वो कभी भी किसी चीज़ में कमी रखते नहीं हैं, इसलिए इतना बड़ा लॉन्च रखे हैं जहाँ पर इतने सारे लोग आ रहे हैं. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि मैं आज प्ले भी कर रहा हूँ, एंड आई विश माई फेलो आर्टिस्ट यू नो टिया एंड ऑल द अदर आर्टिस्ट ऑल द बेस्ट, एंड आई लव इट. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.